हेलो, मैं हूं काशिफ मजीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम आपको दोबारा वेलकम कहते हैं अपने पाइथन के चौथे प्रोग्राम, चौथी क्लास के अंदर। फोर्थ क्लास में हम डिफरेंट चीज़ें एडवांस लेवल पे, लाइक बेसिक एडवांस पे जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको उसी तरीके से बेसिक लेवल पे, लो लेवल पे रहते हुए बहुत सी चीज़ों को सिखाएं और आगे लेकर चलें हम उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अब हमने कहाँ तक जो है लास्ट जो हमारा था वो कहाँ तक हमने किया था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने एक रिव्यू फटाफट क्विकली रिव्यू देते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, स्क्रीन चेक करें। इसमें हमने सबसे पहले पाइथन के बारे में समझा, पाइथन क्या था। फिर उसके बाद बताया कि पाइथन कहाँ का यूटिलाइज हो रहा है। फिर पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा का सारा बताया हमने। पाइचार्म बताया कि पाइचार्म एक IDE है जो कि पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए मदद देता है। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उसी कंटिन्यूशन में रहते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन किया, क्योंकि हमने IDE डाउनलोड की थी, उसके अंदर प्रोग्राम को रन करना सीखा। देन हम वेरिएबल्स पे गए। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वेरिएबल्स से रिलेटेड था। वेरिएबल्स हमने डिफरेंट किस्म के बताए, इंटीजर्स फ्लोट स्ट्रिंग्स। उसके अलावा बूलियन के बारे में बताया, जो मेन वेरिएबल्स थे ये चार थे। उसके बाद इन चारों को हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की और उसमें उसको रन किया। नाउ हमारा लेक्चर टुडे जो है वो ऑपरेटर से रिलेटेड है। आज हमारे टॉपिक जो है पाइथन के अंदर ऑपरेटर से रिलेटेड है। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या हैं, क्या चीज़ हैं, ये हम आपको साथ साथ बताते हैं। इन पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म स्पेशल स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल और वैल्यूज। लाइक आप देखें कि ये वो स्पेसिफिक सिंबल्स ऑपरेटर्स के अंदर, लाइक ऑपरेटर पाइथन में किसे कहते हैं। जैसे कि अगर ऑपरेटर को गौर से देखा जाए तो सिंबल्स में यूज होता है, कीवर्ड्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं किसी भी ना किसी ऑपरेशन को। लाइक जो हम पाइथन के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म की हमें कोई भी कोडिंग करनी है, कोई ऑपरेशन जनरेट करना है, उसके लिए जो सिंबल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक सिंबल हम प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन इसको भी कह सकते हैं, और यही ही जो है ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में यूज होते हैं। अब इसको किस तरीके से यूज करना है इन ऑपरेटर्स को, ये हम आगे देखे चलेंगे, क्योंकि दे आर यूज टू मैनिपुलेट डाटा, मेक कंपेरिजन एंड कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। जो उसका प्रोग्राम फ्लो है उसको कंट्रोल कर, लाइक हमें जो कोड हम राइट करेंगे वो हमें इस मदद देंगे ये ऑपरेटर्स के, हम उनको किस तरीके से उनसे रिजल्ट्स जनरेट कर सकें। जो तीन मेन ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। जो रिलेशन ऑपरेटर है उसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है आजकल के समय। इसके अलावा भी इनके सब टाइप्स हैं जो कि हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, कि अर्थमेटिक के अंदर और भी हैं, रिलेशनशिप के अंदर और भी आ जाएंगे, वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आप यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पेज पे हमें जो ऑपरेटर्स पाइथन के हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोग्राम पे चले जाएंगे कि एग्जैक्टली जो है हमने प्रोग्राम में किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। जी फ्रेंड्स, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ देख रहे थे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि आपको बताया कि अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं पाइथन के, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स यूटिलाइज होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स हैं। इसके अलावा भी हैं जो हम साथ साथ इसको देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, जो ऑपरेटर है वो प्लस है, एडिशन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ए प्लस बी, लाइक हम जब भी असाइन करेंगे ए को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, वेरिएबल्स हैं, और बी को भी कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर हम इसको आपस में एडिशन कर सकेंगे। ये बेसिकली पाइथन के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि इसमें मेंशन है स्लाइड के अंदर के, लाइक इक्वल टू का साइन हो गया, इक्वल टू यहाँ पे जब भी पाइथन में इक्वल टू यूटिलाइज करेंगे, लाइक दो वेरिएबल्स हैं ए इक्वल टू बी करना है तो हमें टू टाइम्स इक्वल टू को मेंशन करना पड़ेगा, तब जो है ये पाइथन समझेगा कि हमने क्या कौन सा ऑपरेटर इसको यूज़ किया। इसमें बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। इसमें नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये बेसिकली ये वाला साइन और इक्वल टू का साइन को जब हम मेंशन करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू कहलाता है। इसमें वेरिएबल ए नॉट इक्वल टू है बी के, ये हम इसकी एक्सरसाइज छोटी सी करेंगे तो हम आपको थोड़ी सी इसका आइडिया भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन ऐसे यूटिलाइज होता है, लेस देन का साइन भी इसी तरीके से यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, लाइक एंड और नॉट,
तो ये सारे के सारे लॉजिक्स से रिलेटेड हैं और ये भी यूटिलाइज होंगे। इसकी भी हम छोटी सी एक एग्जांपल करेंगे अभी साथ साथ कोर्स के अंदर। हमने पाइथन को ओपन कर लिया है। पाइथन को ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ डिफाइन करने वाली है कि हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 3 है फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे। ये हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हम इनको सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन को अप्लाई करके देखेंगे। तो हमें एडिशन अप्लाई करने के लिए हमें जस्ट प्रिंट प्रिंट का साइन हम ऑन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एडिशन के लिए ए प्लस, ये इसने ए कैसा लिख दिया था, ए प्लस बी। ये हमने ए भी डिफाइन किया हुआ वेरिएबल, बी भी डिफाइन किया हुआ। ए प्लस बी को हम जस्ट इंटर कर देंगे और हम जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ से तो देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 उसने हमें ऐड करके दिखा दिया है। हम दोबारा इसी को अगर हम a प्लस बी में रहते हुए a माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, वेरिएबल वही रहने देते हैं, दोबारा रन करते हैं तो ये हमें माइनस भी करके दिखा रहा है। ये देखें हमारे जो आउटपुट में दे रहा है वो माइनस दे रहा है। ये बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को एक दफ़ा करके देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट में कि हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन शिफ्ट 8 के साथ आएगा। आपने जस्ट ये मेंशन करना है और उसके बाद इसको रन करेंगे तो देखें 5 × 3 इज़ इक्वल टू 15। ये इसने यहाँ पे हमें रिजल्ट दिया है। उसके अलावा हम एक दफ़ा डिवीजन भी करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने पॉइंट्स में हमें इसको आंसर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब तो अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जिसको हम रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशन ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हमें बूलियन आउटपुट देता है। उसको हम उसकी एग्जांपल को देखते हैं। ये वेरिएबल्स हम इसी तरह डिफाइन रखते हैं। हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट जो हमने सबसे पहले पढ़ा इक्वल टू का साइन दिया कि अगर ये इक्वल टू है कि नहीं है, ए ए इक्वल टू बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें ट्रू में स्टेटमेंट देता है या कि फॉल्स में स्टेटमेंट देता है। ये देखिए इसने हमें फॉल्स में स्टेटमेंट, क्योंकि ए इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू 3 है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बूलियन में इसने हमें रिजल्ट दिया जो कि हमने इसको कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर को की एक एग्जांपल को यूज़ किया। हमें इसके अंदर इसको इक्वल टू करके देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगी। यहाँ पे देखें अब ये हमें ट्रू दे रहा है कि ये वाकई ट्रू आपने किया है। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं और हम एक दफ़ा इसको ग्रेटर देन का साइन भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम 8 डाल लेते हैं और ए इज़ फर्स्टली हम देख लेते हैं ए इज़ लेस देन बी, डेफिनेटली ये ट्रू में आना चाहिए और ये देखें आपके पास रिजल्ट ट्रू में आया। इसी तरीके से हम इसको ए को ग्रेटर देन बी चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन बी फॉल्स, ए बी से ग्रेटर देन नहीं है। तो ये हमने बेसिक एग्जांपल्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी कर ली हैं। इसमें हमने इज़ नॉट इक्वल टू नहीं अभी तक किया, इज़ नॉट इक्वल टू को भी हम कर लेते हैं। इज़ नॉट इक्वल टू के लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो साइन आएगा और इसके साथ ही हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डेफिनेटली ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू आएगी। अगर हम यहाँ पे 5 मेंशन करते हैं और फिर स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि अब ए और बी को हमने इक्वल टू कर लिया है, तो ये देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो फॉल्स की स्टेटमेंट आई है। तो ये कंप्लीट कंपैरिजन ऑपरेटर की हमने एग्जांपल्स के साथ इसको हमने वर्कआउट कर लिया इसके ऊपर भी। जी फ्रेंड्स, तो अब हम अपने पाइथन पे जाएंगे और पाइथन पे हम जाते ही जो हमारे पास जो थर्ड ऑपरेटर हमने आज देखा सीखा वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम इसकी लॉजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है। अभी हमने ये ए
ए डिफाइन किया हुआ था हमने पहले, इसको एक नंबर से डिफाइन किया था वेरिएबल, अब हम इसको एक स्टेटमेंट देंगे, हम क्योंकि हमें लॉजिक समझनी है कि ए अगर ट्रू है और बी फॉल्स है। आपने देखा, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें जब पाइथन में डिफाइंड जब हम वर्ड यूज़ करते हैं जिस तरह ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हैं तो ये डिफाइंड होती हैं, ये केस सेंसिटिव हैं, तो हमें इसको भी हमेशा, तभी ये इसने हमें एरर बना दिया था। अब भी देखें इस ऑरेंज कलर, दैट्स मीन के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। अब हमने जो प्रिंट करवानी है वो हमने लॉजिक प्रिंट करवानी है। लॉजिकल के लिए क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ए एंड बी, ए एंड बी अगर हम लिखते हैं ए एंड बी, आपके ख्याल में इसके लॉजिक में क्या रिजल्ट आना चाहिए। देखें अब जब ए एंड बी मीन्स ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ए ट्रू हो और बी फॉल्स हो तो हमें जो रिजल्ट में इसकी लॉजिक बनती है वो फॉल्स बनेगी। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें ए अगर ट्रू है और बी फॉल्स है तो इसकी लॉजिक में रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, लाइक हम दोनों को ट्रू करते हैं तो रिजल्ट ट्रू में ही आना चाहिए। ट्रू देखें, मैं यहाँ पे फिर कैपिटल साइन छोड़ दिया था, देखें ये देखिए। और अगर हम क्विकली फटाफट इसको हम देख लें कि फॉल्स अगर ए है और ट्रू बी है देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, फॉल्स। बेशक ए फॉल्स हो, दोनों में से जब एक वेरिएबल फॉल्स पे जाएगा तो रिजल्ट हमें फॉल्स में मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू में मिलेगा, और अगर हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स फॉल्स होंगे तो तब भी हमें रिजल्ट फॉल्स में ही मिलेगा। थोड़ा सा हम नीचे चले गए थे, ये देखें। होपफुली कि आज आप हमारे ये जो ऑपरेटर्स थे पाइथन के अंदर उसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हम आने वाला क्विज़ है उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे साथ साथ। अगर आपके पास कोई क्यूरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको जो सबसे अहम काम है वो ये है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर कर देना है फटाफट, ताकि जो फ्रेंड्स, जो किड्स, जो लर्नर्स जो हैं, जो क्विक लर्नर हैं, वो जो पाइथन को सीखना चाह रहे हैं वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे इस क्विज़ का भी हिस्सा बन जाएं। तो ये क्विज़ जो है ये लाइफ टाइम रहेगा इंशाल्लाह ताला, जो भी इसको इस अभी हम 2024 के एंड में इस वीडियो को बना रहे हैं, ये जब भी कोई इस वीडियोज़ को देखता रहेगा और ये अपने क्विजेस करता रहेगा, ये हमें मैसेजेस में मैसेज भी कर देंगे, हम हमारी पास पूरी टीम होगी जो जो कि इसको आंसर करेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सलाम अलैकुम।